आज का हमारा विषय है भू आकृति प्रक्रिया। भू आकृति प्रक्रिया में भू शब्द जो है ये पृथ्वी को दिखाता है। आकृति जिसे हम स्थलाकृति कहते हैं, और पृथ्वी पे दो प्रकार की स्थलाकृतियाँ मुख्य तौर पे पाई जाती है, एक महाद्वीप और दूसरा महासागर। महाद्वीप और महासागर के अंतर्गत भी अनेक आकृतियाँ आती है, जैसे महाद्वीपों पर पर्वत, पठार और मैदान। ये भू आकृतियाँ जैसे महाद्वीपों पर पाई जाती है, बच्चों आपको पता है कि महासागरों के अंदर भी कई प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती है। इन्हें हम मग्न तट, मग्न ढाल, गहरे महासागरी मैदान और डीप या गहरे गर्तों के नाम से जानते हैं। ये सभी आकृतियाँ पृथ्वी पर पूर्ववत नहीं हैं, पहले से नहीं हैं, बल्कि समयानुसार इनमें परिवर्तन आता रहता है। और यही जो परिवर्तन लाने वाली जो क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं प्रक्रियाएं कहलाती है। प्रक्रिया शब्द जो है इसको आप समझते होंगे बच्चों, जैसे कि जैसे आपने 12वीं क्लास में एडमिशन लिया है और इसके बाद आपने वर्ष भर पढ़ाई की, परीक्षा का फॉर्म भरा, परीक्षा दी और रिजल्ट आया, तो ये एक प्रक्रिया के तहत कार्य हुआ है। इसी प्रकार से धरातल पर भी विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती है और उसके रिजल्ट हमें समय समय पर दिखते हैं, जो कि स्थलाकृतियों की विभिन्न स्थितियों में हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो धरातल पर स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, इसके लिए जो प्रक्रियाएँ काम कर रही हैं, इन प्रक्रियाओं को हम शक्ति या बल कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बल है ये दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर्जात बल और दूसरा बहिर्जात बल। अंतर्जात बल क्या है? जो पृथ्वी के भीतर से सक्रिय होते हैं और उसकी परिणति धरातल के ऊपर हमें दिखाई देती है। तो धरातल के ऊपर जो दिखाई देती है, तात्पर्य यह कि धरातल पर जो पर्वत बने हैं या जो पठार बने हैं, ये इन्हीं बलों के कारण होता है। अंतर्जात बल की एक विशेषता होती है कि ये हमेशा निर्माण कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते, बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। जैसे इन्होंने पर्वत बनाए, पठार बनाए, तो ये क्या है? निर्माण की प्रक्रिया करते हैं। ये बल क्षैतिजिक अवस्था में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लंबवत अवस्था, दोनों ही अवस्थाओं में यह सक्रिय होते हैं। तो इस प्रकार के जो बल होते हैं ये अंतर्जात बल कहलाए। दूसरा जो बल का प्रकार है ये है बहिर्जात बल, एक्सोजेनेटिक फोर्स। बहिर्जात बल क्या है? यह धरातल के ऊपर सक्रिय होते हैं, जैसे नदी, हिमनद। ये मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये बल नहीं है, ये बल के तहत काम करने वाले कारक है। बच्चों आपको पता होगा कि प्रक्रिया और कारक ये दो अलग अलग शब्द हैं। प्रक्रिया जो होती है और कारक जो उस प्रक्रिया को करने में सहायता देता है, इसे हम कारक कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि नदी है, हवा है, हिमनद है, ये सभी बल के प्रकार, बल के कारकों के प्रकार होते हैं। यहाँ पर ये जो बहिर्जात बल है ये अंतर्जात बल के विपरीत कार्य करते हैं।
विपरीत का तात्पर्य है कि जो अंतर्जात बल जो होते हैं ये बिल्डिंग निर्माण की प्रक्रिया कर रहे हैं। मैंने अभी बताया जैसे पर्वत बन रहे हैं या पठार बन रहे हैं, उसी प्रकार से बहिर्जात बल इस जो अंतर्जात बल द्वारा निर्मित क्रियाएं हैं इनको ये क्रमशः तोड़ते फोड़ते रहते हैं। और वहाँ पर ये समतलीकरण की प्रक्रिया में ये लगे रहते हैं। तो ये जो समतलीकरण की प्रक्रिया है, जो तोड़फोड़ की प्रक्रिया है, इसको हम एक शब्द में कहते हैं अनाच्छादन, डेनुडेशन। तो यहाँ पर आइए हम सबसे पहले बलों के वर्गीकरण में अंतर्जात बलों का पहले अध्ययन करेंगे। ये अंतर्जात बल सामान्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक है पटल विरूपण बल और दूसरा जो है आकस्मिक अंतर्जात बल। पटल विरूपण बल, इसे दीर्घकालीन बल भी कहते हैं। ये जो दीर्घकालीन बल है, इससे लंबे समय तक भूगर्भ के भीतर और कभी कभी भूगर्भ के बाहर यानी धरातल की सतह पर कुछ क्रियाएं होती रहती है और इन क्रियाओं की परिणति लंबे वर्ष, लंबे का तात्पर्य है हजारों वर्ष या लाखों वर्ष भी लगते हैं, और उसके बाद उसका जो रिजल्ट होता है ये हमारे सामने में आता है। तो इस बल को पटल विरूपण बल कहा जाता है, डायस्ट्रोफिक फोर्स। ये जो पटल विरूपण बल है, इसे भी हम दो वर्गों में बांट लेते हैं। पहला वर्ग कहलाता है महादेश जनक बल, एपेरियोजेनेटिक फोर्स। महादेश जनक बल, जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, जो देश, महादेश का मतलब है महाद्वीपों का निर्माण करने में ये बल सहायक होते, अर्थात स्थल खंड की संरचना ये करते हैं। ये जो महादेश जनक बल है, ये बल दो प्रकार से क्रियाएं करते हैं या दो प्रकार की शक्तियां यहाँ पर सक्रिय होती है। एक कहलाता है ऊपरीमुखी बल, अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या है? जो आसपास के धरातल से जब कोई भूभाग थोड़ा सा ऊंचा उठ जाता है और इस उभार की जो प्रक्रिया वहाँ देखने को मिलती है, ये अपवर्ड फोर्स या ऊपरीमुखी बल होता है। लेकिन इस प्रकार के बल समुद्र में भी सक्रिय होते हैं, और समुद्र में जब ये बल कार्य करते हैं तो तटीय भाग कभी कभी ऊपर उठ जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि कोई द्वीप हमें दिखाई देने लगता है, समुद्र के कहीं बीच में कोई भूभाग ऊपर उठ जाता है, वो एक नया द्वीप बन जाता है। ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सभी जो उदाहरण हैं, जो किसी कारण से कोई आंतरिक प्रक्रिया के कारण धीरे धीरे ऊपर उठते उठते काफ़ी ऊपर उठ जाता है, तो ये क्रिया अपवर्ड फोर्स कहलाती है या इसे ऊपरीमुखी बल कहते हैं। और जब ये समुद्र में ये क्रियाएं होती है तो इसे हम निर्गमन की प्रक्रिया कहते हैं। निर्गमन यानी ऊपर उठना। अब दूसरा जो इसका प्रकार है, इसे हम कहते हैं अधोमुखी बल। अधोमुखी, जैसा कि आप नाम से परिचित है, जो नीचे की ओर दब रहा है उसे हम अधोमुखी बल कहते हैं, अर्थात पृथ्वी की सतह पर किसी कारणवश कोई भूभाग नीचे दब जाता है और वहाँ पर हमें एक गर्तनुमा, एक गड्ढे नुमा या एक खाई नुमा आकृति लंबे समय के बाद देखने को मिलती है। तो यह बल अधोमुखी या डाउनवर्ड फोर्स कहलाता है। डाउनवर्ड फोर्स जो होते हैं,
ये भी समुद्री भागों में भी ये सक्रिय होते हैं। और समुद्री भागों में जब ये कोई हिस्सा, जैसे तट का कोई हिस्सा नीचे की ओर दब गया, या कोई द्वीप, कोई महाद्वीप का एक वृहत हिस्सा यदि समुद्र तल से नीचे चला जाता है, तो यह डाउनवर्ड फोर्स होता है। लेकिन जब ये सागरीय भागों में होता है, तो इस प्रक्रिया को निमज्जन कहते हैं, डाउनवर्ड फोर्स निमज्जन, अपवर्ड फोर्स निर्गमन। ये सागर में होने वाली जो क्रियाएं हैं उसके लिए ये शब्द उपयोग में आते हैं। जो डाउनवर्ड फोर्स है, इसके बहुत से एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि समुद्र के भीतर में यदि कोई पेट्रोलियम का क्षेत्र पाया जा रहा है, कोयले का क्षेत्र पाया जा रहा है, कई रिसोर्स जो समुद्र के भीतर में मिल रहे हैं, तो ये जो क्रिया है ये डाउनवर्ड फोर्स के कारण संपन्न होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पहले वो भूभाग जमीन पे था, लेकिन उस समय वहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति या जीव जंतु, जो फॉसिल्स थे, वो विद्यमान थे। कालांतर में जब वो धंस गया, तो उसके धंसने से वहाँ पर कोयले का निक्षेप हुआ है, या वहाँ पर जो पेट्रोलियम पदार्थ पाए जा रहे हैं, ये डाउनवर्ड फोर्स के कारण हमें दिखाई देता है। दूसरी जो बात है, कहीं कहीं पर प्रवाल द्वीप वो भी नीचे में धंस जाते हैं, तो ये भी डाउनवर्ड फोर्स के कारण है। इसी प्रकार से सन 2004 में जो सुनामी आई थी, आप लोग को पता होगा बच्चों, ये जो सुनामी आई थी, इसके कारण हमारे भारत का जो पूर्वी तट है ये बहुत प्रभावित हुआ था। और इसमें जो निकोबार द्वीप है, अंडमान और निकोबार, तो निकोबार का जो कार निकोबार द्वीप है, ये बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था, और इसके बहुत से हिस्से, कहीं अधिकांश हिस्से नीचे दब गए और कुछ हिस्से ऊपर भी उठे थे। तो ये यहाँ पर जो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स, यानी ऊपरीमुखी और अधोमुखी बल, दोनों ही हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो प्रक्रिया हुई, ये लंबे समय तक होती है, लेकिन कभी कभी अचानक भी हो जाती है। पर इसके पीछे जो शक्तियाँ कार्य कर रही है, वो काफ़ी लंबे समय तक कार्य करती है। तो इस प्रकार के जो बल हैं, इसे हमने महादेश जनक बल के नाम से संबोधित किया है। अभी मैं जैसे बता रही थी कि पटल विरूपण बल में जो महादेश जनक बल है, उसके ऊपरीमुखी और अधोमुखी बल, ये दोनों ही बल लंबवत रूप में कार्य कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार, दो दिशाओं में ये काम करते हैं, लंबवत और क्षैतिज। लेकिन ऊपरीमुखी और अधोमुखी, ये दोनों लंबवत दिशाओं में कार्य करते, भूभाग का ऊपर उठना या नीचे धंसना, ये क्या है? एक खड़ी प्रक्रिया है। दूसरा जो बल हम देख रहे हैं, ये है पर्वत निर्माणकारी बल, ओरोजेनेटिक फोर्स। पर्वत निर्माणकारी बल, जैसा नाम से स्पष्ट है, पर्वतों का निर्माण करता है। और ये पर्वत निर्माणकारी बल जो है, ये दो प्रकार से या दो प्रकार की शक्तियाँ इसमें सक्रिय होती है। एक बल जो कहलाता है, ये है तनाव मूलक बल। तनाव मूलक बल, जैसा कि आप जानते हैं कि तनाव क्या है बच्चों, तनाव से आप सब परिचित हैं। तनाव क्या होता है? जैसे आप बहुत तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, ऐसा लगता है कि सर फट रहा है। यानी मैं बताना चाह रही हूँ कि जब बहुत अधिक तनाव होता है, तो टूटने की, फटने की चांसेस जो है ये बढ़ जाते हैं। और इस प्रकार के तनाव मूलक बल, यानी जब धरातल का कोई हिस्सा, क्योंकि ये अंदर से काम कर रहा है, अंदर से संवहनिक तरंगे कार्य कर रही है, और ये तरंगे जब दो विपरीत दिशाओं में जा रही है,
तो ऐसा लगता है कि धरातल के ऊपर में तनाव हो रहा है, और तनाव होने के कारण धरातल के दो हिस्से विपरीत दिशा में जाते हैं। आप इस चित्र से समझ सकते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की ये जो सीमा है, अपसारी सीमा, इसमें दो विपरीत दिशाओं में जो है प्लेटें जा रही है, यानि तनाव उत्पन्न हो रहा है। और इस तनाव के कारण जब तनाव अधिक होता है तो भूपटल क्या होता है, बीच से या तो उसमें दरारें आ जाती, क्रैक्स आ जाता है, क्रैकिंग कहते हैं, दरार आते हैं और भूपटल में एक चटकन पैदा होती है। आप जानते हैं ना, जैसे कोई चीज़ टूटती है तो चट की आवाज़ आती, तो हम इसको चटकन कहते हैं। तो यही जो चटकन है ये इस तनाव मूलक शक्तियों में सक्रिय होती है, और भूपटल में चटकन आती, दरार आ जाती, टूट जाता है। या फिर जब तनाव और भी अधिक होता है तो अधिक तनाव के कारण जो है ये भ्रंशन की प्रक्रिया होती है, और भ्रंशन में चट्टाने विपरीत दिशाओं की ओर सरक जाने से बीच का हिस्सा जो होता है वो खाली हो जाता है। बच्चों, मैं यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो तनाव मूलक शक्तियाँ होती है, ये पूरी बीच का हिस्सा खाली हो गया तो पूरे पृथ्वी की गहराई नहीं दिख रही है। एक सतह के सहारे तनाव होता है, किसी सतह के सहारे। नीचे एक बेस होगा और उस बेस के बाद तनाव मूलक शक्तियाँ कार्य कर रही है। तो जहाँ तक तनाव हो रहा है तो जिस सतह, उस सतह तक का जो हिस्सा होता है वहाँ पर बीच में गहरा गड्ढा हो गया, और ये जो गड्ढा हो गया ये घाटी कहलाता है। दोनों जो यहाँ पर आप चित्र में आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि जब भ्रंश हो रहा है तो देखिए पहाड़ के दो टुकड़े हो गए, दोनों की जो संरचना है वो एक जैसी है, और बीच का हिस्सा नीचे दब गया है, बीच की उसकी भी संरचना उसी क्रम में आपको देखने को मिल रही है। तो ये तनाव मूलक शक्तियाँ। अच्छा, तनाव जो होता है ये किसी भी दिशा में संपन्न हो सकता है। जैसे मैंने अभी बताया कि दो विपरीत दिशा में जा रहा है, ज़रूरी नहीं है, कभी कभी चूँकि भीतर से शक्तियाँ काम कर रही तो ये कुछ इस प्रकार से आगे पीछे भी तनाव हो सकता है, और आगे पीछे तनाव होने से चट्टाने आगे या पीछे की ओर सरक जाती है, ये भी तनाव की एक प्रक्रिया होती है। तो चट्टानों का आगे पीछे की ओर सरकना, दाएं बाएं सरकना, या कभी ऊपर नीचे सरकना, ये भी तनाव की एक ही तरफ हो रहा है, ऊपर ऊपर सरक रही चट्टाने, ये हिस्सा तनाव मूलक नहीं है लेकिन ये हिस्सा है, तो यहाँ की चट्टान क्या हो गई, ऊपर उठ गई। तो इस प्रकार से आप इस चित्र से भी इसको समझ सकते हैं कि तनाव जो है ये विभिन्न दिशाओं में सक्रिय हो रहा है और इससे भ्रंशन की प्रक्रिया होती है। दूसरी, और ये भ्रंश जब हम पर्वत का अध्ययन करते हैं तो भ्रंशित पर्वतों का अध्ययन भी हम करते हैं। दूसरा जो बल है ये कहलाता है संपीडनात्मक बल। आप देख रहे हैं संपीडन, संपीडन या कंप्रेशन, ये क्या होता है, जब दो बल आपस में एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, खींच रहे हैं, और खींचने से क्या हो रहा है, बीच में संपीड़न यानी भिंचाव, भिंचाव होता है। आप इसका उदाहरण आप अपने घर में प्रयोग करके देख सकते हैं। कैसे, जैसे गीली मिट्टी का कुछ क्षेत्र होगा तो उस क्षेत्र में या तो आप ऊपर से दबाव डालिए, या उस गीली मिट्टी के दोनों तरफ आप हाथ रख लीजिए और दोनों तरफ से आप उसको बीच में दबाते चलिए। जब आप उसको दबाएंगे ऐसा तो बीच में आप देखेंगे कि मिट्टी उभर करके ऊपर आ रही है, लेकिन इस मिट्टी के जो उभार होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, ये ऐसे गोल मोल कई मरोड़ में होते हैं। इसी प्रकार से
जब दो शक्तियाँ, दो बल एक दूसरे की ओर आते हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आ रही है, और इन प्लेटों के एक दूसरे की ओर आने से बीच का जो लावा या जो मैग्मा जो धरातल के भीतर है, क्योंकि ये प्लेटों के नीचे में तो मैग्मा है, लावा है, और ये ऊपर की ओर उठने लगता है, और उठने के कारण चूँकि दोनों तरफ से दबाव पड़ रहा है तो इसमें खिंचाव होता है, और खिंचाव होने के कारण इसमें बल पड़ते हैं, वलन पड़ने लगते हैं, और इस प्रकार के जो पर्वत होते हैं इसको हम वलित पर्वत कहते हैं। जब ये खिंचाव कम होता है तो थोड़े से लहरनुमा आकृति होती है, और खिंचाव अधिक होता है तो ये वलन काफ़ी अधिक होने लगते हैं। जैसा कि देखिए, आप इस चित्र को देखकर आप समझ सकते हैं कि चट्टाने कैसे मुड़ती चली जा रही हैं। जब बहुत सामान्य से उभार आते हैं तो इसको भूपटल बंकन कहते हैं, और जब ये उभार बहुत घुमावदार होने लगते हैं तो ये वलन कहलाता है, और इससे वलित पर्वतों की संरचना होती है। तो जितने भी पर्वत हैं, अधिकांश पर्वत पृथ्वी पर जो पाए जाते हैं ये वलित पर्वत है, जिसमें हिमालय पर्वत का को आपने पढ़ा है, देखा है, हिमालय क्या एक वलित मोड़दार पर्वत कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं, रॉकीज़ है, एंडीज़ है, तमाम जो पर्वत हैं ये सभी मोड़दार पर्वतों के उदाहरणों को प्रस्तुत करता है। तो ये जो वलित पर्वत है, यानी वलन और भ्रंशन, ये भी देखिए इसमें लंबवत और क्षैतिजिक ये दोनों ही प्रक्रियाएं सक्रिय होती है, और ये दोनों प्रक्रियाओं के सम्मिश्रण से फिर वलन और भ्रंशन जैसी क्रियाएं होती है। तो ये जो मैंने विभिन्न प्रकार की क्रियाएं बताई, ये पटल विरूपण शक्ति यानी दीर्घकालीन प्रक्रिया है। आप जानते हैं कि पर्वत ऐसे बन नहीं जाते, लंबे समय तक बनते, हमने इसको बनते और बिगड़ते देखा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो मानव जीवन है ये बहुत छोटा है। मैंने पहले ही बताया कि हजारों लाखों वर्ष की प्रक्रिया के दौरान ये पर्वत बनते हैं। तो ये दीर्घकालीन या पटल विरूपण प्रक्रिया कहलाती है।